हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और ये मेरा दिल्ली ट्रिप का वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने पहले 5 वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, जिनमें मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेज जो कि मस्ट विजिटिंग प्लेसेज हैं दिल्ली के, वो कवर किए हैं। चौकी हवेली, नोएडा हार्ट और बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेज आपके लिए कवर किए हैं। आज का मेन जो अट्रैक्शन है वो है ITDC। ITDC ये है इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इनका मेन मकसद है हैंडीक्राफ्ट, हाथ से चीज़ें बना के ये बहुत ही सुंदर चीज़ें बेचते हैं, जो कि बहुत यूनिक होती हैं, नायाब होती हैं और बहुत ही स्पेशल होती हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन अगर आप जाएं वहाँ पे तो आपको बिल मिलेगा और गारंटी भी मिलेगी कि आप 5 साल बाद भी उनको रिटर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको शॉपिंग करनी है और यूनिक आइटम लेने हैं तो ITDC जाएं, वरना वहां जाने का कोई मतलब नहीं। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कोई परिचय का मोहताज नहीं है और दिल्ली में मस्ट विजिटिंग प्लेसेज है। आप क्लाउड देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कुतुब मीनार, जो दिल्ली का एक फेमस मोमेंट है और यहाँ पर सब लोग आते हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप देखोगे यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग किट है और ये छोटा सा क्राउड है, यहाँ पर कोरोना नहीं आएगा क्योंकि कोरोना की ये बस लगी हुई है और इसी के विश्वास के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं हमारा विश्वास कायम रहे। और आज संडे है तो थोड़ी क्राउड है, हमने टिकट ले लिया है और हम जाते हैं अंदर। अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वगैरह। संडे में फंडे। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के अंदर आ चुके हैं और आप सब देख सकते हैं ये रही। दिखने में छोटा लग रहा है, अभी दिखाते हैं आपको पूरा उसके पास नहीं आए। चलो चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार किस इमारत से प्रेरित होकर बनाई गई? इसका जवाब है अफगानिस्तान की जाम की मीनार। जी हाँ, अफगानिस्तान की जो जाम की मीनार थी उससे प्रेरित होकर कुतुब मीनार का आधार रखा गया। और इसको तीन, आप बोल सकते हैं तीन फेज में बनाया गया, क्योंकि तीन शासकों ने इसको बनाया। सबसे पहले जो शासक थे, जो मुस्लिम शासक दिल्ली के सबसे पहले थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने सन 1113 में इसकी आधारशिला रखी और आप बोल सकते हैं केवल आधार बनवाया। उसके बाद दूसरे शासक जो इनके वारिस थे, इतुतमिस, उन्होंने इसकी तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने पांचवी और छठवीं जो कि लास्ट इसकी मंजिल थी वो बनवाई। ये कुतुब मीनार लाल बालुआ पत्थर से बनाई गई है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। आप हिंदी में इनको श्लोक भी बोल सकते हैं, बहुत पवित्र मानी जाती हैं ये आयतें। और इसका आधार जो कुतुब मीनार का है वो 14.32 मीटर का है, इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर और इसके जो टॉप है, शीर्ष, उसकी जो आप बोल सकते हैं चौड़ाई है वो है 2.75 मीटर। इस तरह का इसका डायमेंशन है। दोस्तों, कुतुब मीनार विश्व की एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है, बट इसका रख रखाव मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ना, वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको अच्छी तरह से रखा जा सकता था। और जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपए स्टैचू ऑफ यूनिटी में लग गए, उस तरह से मेरा मानना है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी अमूल्य धरोहर हैं, इमारतें हैं, उनको रख रखाव की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू न्यू बिल्डिंग बनवाना। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ।
और ये है वो पिलर जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता। और आज तक साइंटिस्ट इसकी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है। और ये बना है अष्ट धातु का और काफ़ी पुराना है और इसका रिसर्च अभी तक चल रहा है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मेरे हमारे साथ शेयर करें। और काफ़ी अच्छा है, मतलब पुराना है, अच्छे से बनाया है और साफ सफाई भी है। आप आ सकते हैं टाइम पास के लिए। और बच्चों को ज़रूर लेके आए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हमारे इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस पिलर को महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था और इसका पता इस स्तंभ पे एक लेख लिखा गया है और उसका मतलब है कि ध्वज फहराने के लिए। तो ये एक तरह से उस समय में ध्वज फहराने के लिए उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों, अलई मीनार ये भी एक फेमस इमारत है, कुतुब मीनार में ही है ये। और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में करवाया था। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से डबल साइज की ये इमारत बनवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और ये इमारत पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी विश थी आपकी जो आप करना चाहते थे लेकिन पूरी नहीं हो पाई। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट परिस्थिति बस नहीं कर पाते। वीडियो लंबा हो रहा है, इसी वीडियो में बस इतना ही। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय।